हेलो फ्रेंड्स, देसी रसोड़े में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी साबूदाने के वड़े किस तरह से बनाने हैं। 250 ग्राम साबूदाना लिया है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। देखिए इस तरह से अच्छे से फूल गया है। 4 बॉयल आलू, इसको मैंने छिलका निकाल दिया है। अरारोट पाउडर, सिंग दाना, इसको हमने सेक लिया है। 1 नींबू, हरी मिर्ची, 1/2 इंच अदरक, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, सेंधा नमक, जीरा, हींग, हरा धनिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर दिया है और सिंग दाना को हमें दरदरा पीसना है। देखिए इस तरह से दरदरा पीस दिया मैंने। हरी मिर्च, अदरक, इसको मैंने इस तरह कद्दूकस कर लिया है। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चुटकी हींग, जीरा, जीरा 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स, अगर इसकी जगह आपको लाल मिर्ची ऐड करनी तो लाल मिर्ची भी कर सकते हैं। सेंधा नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालें। हरा धनिया, अरारोट हमें 1 चम्मच डालना है इसमें, 1 या 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालें। अभी इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से और फिर हम इसमें डालेंगे साबूदाना और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा मीठा पसंद है तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देना है। अभी हम इसकी टिक्की बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम टिक्की बनाएंगे और हमें एकदम कम तेल में इसको फ्राई करना है। 1/2 चम्मच जितना ऑयल डाला मैंने। अभी ये गर्म हो गया है तब इसमें डालेंगे हमारी टिक्की और हम इसको मीडियम आंच में ही पकाएंगे। मीडियम स्लो में, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, नहीं तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जितनी भी इस पैन में आए उतनी टिक्की रखनी है और इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट तक इसको पकाना है। देखिए हल्की सी फूल गई है और नीचे से ब्राउन भी हो गई है। हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह, सारी टिक्की को इस तरह से दूसरी साइड में करेंगे। इसमें तेल भी ज़्यादा अंदर नहीं गया हुआ है, डीप फ्राई नहीं किया हमने, सेलो फ्राई किया है। डीप फ्राई में अंदर से पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है तो बहुत जन को पसंद नहीं रहता है, तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। 5 मिनट और ढक के रखा, देखिए अब फटने लग गई पूरी और बहुत ही अच्छी तरह से पक भी गई है। देखिए इस तरह से अब इसको हम सर्व करेंगे और ये बहुत बनी भी क्रंची है, इसको उपवास में भी खाए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। देखिए हम इसको सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो आगे से आगे अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें। थैंक यू।